अगर आप एक पेट्रियोटिक सिटीजन बनना चाहते हैं जो अपनी कंट्री के लिए कुछ बेहतर करने में कंट्रीब्यूशन देने का इरादा रखता हो और साथ ही खुद के लिए एक डिसिप्लिन्ड और वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी भी चाहते हो, इसके साथ साथ अगर आप हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन और डिफेंस एग्जाम्स में बोनस मार्क्स भी पाना चाहते हो तो आप NCC कोर्स कर सकते हैं, जो आपको एक प्रोग्रेसिव लाइफ तो देगा ही साथ अपने देश के लिए ड्यूटीफुल होने का फील भी आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगा। और अगर आप मिलिट्री सर्विस तक अप्रोच बनाने के लिए स्कूल लेवल से ही तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप NCC कैडेट बन सकते हैं। और NCC कैडेट बनने से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां आप तक पहुंच सके, इसी पर्पस से हमने आज का ये वीडियो बनाया है, इसीलिए आप इसे पूरा जरूर देखें ताकि आपको NCC कोर्स क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स और इसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस जैसी सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि NCC कोर्स क्या है। NCC यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो अपने देश के यूथ को एम्पावर करने की दिशा में काम करते हैं। NCC 16 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिश हुई। NCC का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ऐसे स्टूडेंट्स जो डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए NCC बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एसोसिएट है। ये कोर्स देश के यूथ को सही डायरेक्शन में ऐसी बहुत सी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करने के लिए एनकरेज करता है, जिससे उनकी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगे। इस कोर्स को करने के बाद कैंडिडेट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग करने का मौका भी मिलता है और उनको मिलने वाले करियर ऑप्शंस भी एक नॉर्मल कैंडिडेट से काफी बेहतर हुआ करते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ही स्टूडेंट्स NCC ज्वाइन कर सकते हैं। NCC कैडेट्स को मिलने वाली ट्रेनिंग उनमें स्ट्रेंथ डेवलप करती है और उन्हें फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए एनकरेज भी करती है, ताकि जब देश को उनकी जरूरत पड़े तो कैडेट्स अपना 100% कंट्रीब्यूट कर सके। ट्रेनिंग के दौरान NCC कैडेट्स को बेसिक डिफेंस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका पर्पस यंग स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट तीनों फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में डेवलप करना होता है। NCC के जरिए कैंडिडेट्स को वो प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है जहां वो इंडियन डिफेंस सर्विस को ज्वाइन करने की अपनी एबिलिटी चेक कर सके, और इस NCC सर्टिफिकेट का थोड़ा बेनिफिट कैडेट्स को आर्मी ज्वाइन करते टाइम भी मिल जाता है। NCC कोर्स जूनियर और सीनियर विंग्स में अवेलेबल होता है। क्लास 8th और 9th के स्टूडेंट्स जूनियर विंग्स में NCC ज्वाइन कर सकते हैं, और 10th क्लास पास कर चुके स्टूडेंट्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स सीनियर विंग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब NCC कोर्स करने के लिए क्राइटेरिया भी जान लेते हैं। NCC के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और कैंडिडेट का अपने स्कूल या कॉलेज के मेडिकल स्टैंडर्ड से मैच करना भी जरूरी है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसे क्लियर करने के बाद ही कैंडिडेट को NCC कोर्स के लिए एलिजिबल माना जाएगा। मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, जिसमें पास होने वाले कैंडिडेट्स ही NCC कैडेट के तौर पर एडमिशन ले सकेंगे। स्कूल और कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट्स वॉलंटरी बेसिस पर NCC ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन NCC के जूनियर डिविजन को ज्वाइन करने के लिए एज 12 से 18.5 साल होती है, जबकि सीनियर डिवीजन या विंग के लिए ये एज लिमिट 26 साल तक होती है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में NCC ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई फीस नहीं देनी होगी, हालांकि NCC यूनिफॉर्म, बेल्ट, शूज जैसी कई सारी चीजों के लिए पे करना होगा। और हो सकता है कि आपके प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस एनुअल ट्रेनिंग कैंप जैसी एक्टिविटीज के लिए आपसे कुछ चार्ज भी ले। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5 साल होती है और इसमें 3 टाइप्स के सर्टिफिकेट शामिल होते हैं, सर्टिफिकेट ए, बी और सी। सर्टिफिकेट ए के लिए 2 साल का टाइम लगता है, 2 साल बी सर्टिफिकेट लेने के लिए रिक्वायर्ड होता है और सी सर्टिफिकेट के लिए 1 साल होता है। ए सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब्स में उतना बेनिफिशियल तो नहीं हो पाता है जितना सर्टिफिकेट बी और सी होते हैं, लेकिन ए सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को इंडियन आर्मी के विंग्स के टेस्ट में मार्क्स का थोड़ा बेनिफिट जरूर हो जाता है। इसके लिए आपका एक ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया होना भी जरूरी होता है। बी सर्टिफिकेट ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल साबित होता है जो इंडियन आर्मी को जवान के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं, और इस सर्टिफिकेट को लेने के बाद ही सी सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। बी सर्टिफिकेट होल्डर्स को टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और कुछ दूसरे पब्लिक सेक्टर्स में जॉब के दौरान कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। इसके लिए भी आपका एक ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करना जरूरी होता है, और ट्रेनिंग में आपकी 75% अटेंडेंस भी होनी चाहिए। वहीं सी सर्टिफिकेट NCC ट्रेनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के सिलेक्शन प्रोसीजर में सी सर्टिफिकेट होल्डर को एडवांटेज मिलता है, और इसके लिए आपकी अटेंडेंस 75% होनी जरूरी है, और आपको मिनिमम 2 नेशनल ट्रेनिंग कैंप्स ज्वाइन करने होंगे।
एनसीसी कोर्स में शामिल सब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स ये होते हैं: नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, सिविल अफेयर्स, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, एडवेंचर ट्रेनिंग एंड ऑब्स्टिकल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड डिफेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, रोल ऑफ एनसीसी ड्यूरिंग नेशनल हजार्ड्स, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर ड्यूटीज, एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, फील्ड क्राफ्ट एंड यूज ऑफ टेक्निक्स, फ्रीडम स्ट्रगल एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटी ड्रंक ड्राइविंग। तो इसी के साथ कुछ ऐसे कॉलेजेस का नाम जान लेना भी बेहतर रहेगा जो एनसीसी कोर्स ऑफर करते हैं। तो ऐसे कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम है: महात्मा गांधी कॉलेज वेस्ट बंगाल, गुरु नानक खालसा कॉलेज हरियाणा, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ उत्तर प्रदेश, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब और हंस राज कॉलेज न्यू दिल्ली। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनसीसी की जूनियर और सीनियर विंग ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा। मतलब ये कि एनसीसी की जूनियर विंग को ज्वाइन करने के लिए आपको यानी स्टूडेंट को अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कॉन्टेक्ट करना होगा और आपके इंटरेस्ट के बारे में बताना होगा, ताकि आपके स्कूल के एनसीसी में आपको रिक्वायर्ड कंडीशंस मैच होने के बाद एडमिशन मिल जाए। लेकिन अगर आपके स्कूल में एनसीसी कोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप अपने स्कूल के पास स्थित एनसीसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर से कॉन्टेक्ट करें। इस विंग में ट्रेनिंग का एनरोलमेंट पीरियड 2 साल का होता है। सीनियर विंग को ज्वाइन करने के लिए आपकी एज 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इस ट्रेनिंग का एनरोलमेंट पीरियड 3 साल का होता है। इस विंग को ज्वाइन करने के लिए भी आपको अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से कॉन्टेक्ट करना होगा। और अगर आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी ट्रेनिंग यूनिट नहीं है तो नियरेस्ट एनसीसी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर से कॉन्टेक्ट करके आप सीनियर विंग ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी कोर्स कम्प्लीट कर लेने के बाद कैंडिडेट डिफेंस में ऑफिसर्स एंट्री के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट को बैंक पीओ एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम जैसे बहुत से गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड एग्जाम्स में रिलैक्सेशन मिलता है और पुलिस सर्विस, इंडियन आर्मी, जीडी ब्रांच और गवर्नमेंट होमगार्ड सर्विसेज जैसी सर्विसेज के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा कैंडिडेट शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर, सोल्जर ट्रेड्समैन, सुपरवाइजर, सोल्जर क्लर्क, सिक्योरिटी सर्विसेज ऑपरेशंस, बैंक ऑफिसर असिस्टेंट और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जैसी जॉब्स में भी अपने लिए बेस्ट चूज कर सकते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट को ऑफर की जाने वाली एवरेज सैलरी की बात करें तो ये सैलरी शुरुआत में 10,000 से 20,000 रुपए होगी, जबकि 4 से 10 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले एनसीसी ऑफिसर 3 से 5 लाख पर एनम कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से इस वीडियो की हेल्प लेकर आप एनसीसी के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए होंगे और इससे मिलने वाले एडवांटेजेस और इसकी इम्पोर्टेंस को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये जानकारी और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आगे कोई ऐसा ही सवाल है तो हमें जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाने की। जितने लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, आप सभी का स्वागत है हमारी क्विक सपोर्ट फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और ऐसी इनोवेटिव क्रिएटिव जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। रूबी मिलेगी आगे और ऐसे वीडियोस में, तब तक के लिए कहूंगी रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।